नमस्कार, आपकी बात में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक। छत्तीसगढ़ सरकार ने सामाजिक बहिष्कार को रोकने के लिए अब कानून बनाने की तैयारी की। इसको लेकर जाति पंचायतों ने विरोध का झंडा भी बुलंद किया। पहले सर्व समाज के बैनर तले विरोध किया गया और अब कुर्मी समाज ने 19 जुलाई को विरोध के लिए बैठक करने का फैसला कर लिया। इसके पीछे उनकी दलील ये है कि इससे सामाजिक एकता और अनुशासन में बाधा आने वाली। अब सवाल ये उठता है कि जातीय पंचायतें अगर अपने समाज की नुमाइंदगी करती हैं तो सरकार भी जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि है, उनको भी जनता ही चुनती है, उनको भी समाज ही चुनते हैं। उसके अपने हक में फैसला लेने के लिए आपने उनको चुनकर भेजा है। ऐसे में क्या किसी कानून का विरोध होना चाहिए जो उसी लोगों के द्वारा, उसी जनप्रतिनिधियों के द्वारा बन रहा है, जो समाज सुधार के मकसद से आगे बढ़ने वाले कदम हैं, क्या उसका विरोध होना चाहिए? आज का ये सवाल। खाप की खिलाफत की तो खैर नहीं, सामाजिक बहिष्कार बना हथियार, सोशल बायकॉट का अस्त्र अब होगा बेअसर। जो भी निर्णय करेगी निश्चित तौर से आम लोगों के और हर वर्ग के लिए लाभदायक रहेगी। इस पर सबसे राय मांगा गया है, राय के आधार पर आगे उस पर क्या करना है वो प्रस्तावित होगा। जो नियम और कायदे बनाए थे समाज के संरक्षण और संवर्धन के लिए, उस समाज के को तोड़ने का जो प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध कानून अभी आया भी नहीं कि विरोध के लिए मुट्ठियां तन गई हैं, नारे गूंज उठे हैं, लामबंदी तेज हो गई है। कई जातीय समूह अब तक इस कानून के विरोध में सड़क पर उतर चुके हैं। अब प्रदेश के मैदानी इलाकों में सबसे बड़ी आबादी वाले कुर्मी समाज ने मुखालफत का झंडा उठा लिया है। आने वाले 19 जुलाई को खूबचंद बघेल जयंती पर कुर्मी समाज के लोग राजधानी में महाबैठक करने वाले हैं, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा समाज प्रमुखों के साथ 5,000 से ज्यादा समुदाय के लोग जुटने वाले हैं। इस महाबैठक में वो सामाजिक बहिष्कार कानून का विरोध कैसे करें, इसकी रणनीति बनाएंगे। विरोध करने वाले तमाम जाति समूहों का एक ही तर्क है कि इससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी और जाति आधारित संगठन अपना असर खो देंगे। जरा सी नाफरमानी तो हुक्का पानी बंद, इंटरकास्ट मैरिज की तो हुक्का पानी बंद, जादू टोने का शक हुआ तो हुक्का पानी बंद, जमीन हड़पने का षड्यंत्र रचना है तो हुक्का पानी बंद। हर दूसरे गांव की वही कहानी। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में हुक्का पानी, या यूं कहें कि पौनी पसारी बंद करने की घटनाएं अब आम सी बात है। इसमें पीड़ितों को सामाजिक प्रताड़ना तो झेलनी ही पड़ती है, साथ ही आर्थिक दंड भी वहन करना होता है। इसका हैरान करने वाला पहलू ये कि ज्यादातर मौकों पर गरीबों, वंचितों और निराश्रितों पर ही टूटता है पंचायती फरमानों का कहर। सोशल रिफॉर्म समय की मांग है, क्योंकि जब कुरीति हटेगी तभी हम नई रीति को स्वीकार कर पाएंगे। वैसे भी सोशल बहिष्कार लोगों की वैधानिक आजादी पर प्रतिबंध लगाता है, इसीलिए पहली नजर में ये अवैध हो जाता है। इस सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कानून का राज चलेगा या फिर खाप का खौफ। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कुल जमा सार ये कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना, अपने लिए आजीविका चुनना, अपने लिए समाज के नियमों के तहत में विकास की राह को चुनना, ये उसका अपना अधिकार होता है। समाज अपने अपने संरक्षण के लिए अपनी समितियां बनाती हैं, ये भी परंपरा चली आई है। लेकिन एक ऐसी कुरीति के तौर के ऊपर दिखाई पड़ी है कि कुछ समितियाँ किसी द्वेषवश कई बार जो शोषित हैं, जो दलित हैं, जो समाज में कमजोर हैं, उन लोगों के ऊपर ही कुछ इस तरह के सामाजिक नियमों को लगा करके उनका बहिष्कार कर देती हैं, जिससे वो समाज से न केवल वंचित हो जाते हैं, लाभ से वंचित हो जाते हैं, बल्कि लगातार उपेक्षा का शिकार होते हैं। ऐसे में सरकारों को आगे आना पड़ा। महाराष्ट्र में इस बाबत
कानून बन चुका है और अब छत्तीसगढ़ इस राह पर आगे चल रहा है। हालांकि सबने नपी तुली सीधी सीधी प्रतिक्रिया दी है कि अभी केवल विचार विमर्श जारी है, लेकिन इसी विचार और इसी सलाह मशवरे के दौर में विरोध के स्वर भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब हमारा सवाल यह है कि जो समाज विकास के लिए बना है, जो सबको साथ लेकर चलने के लिए बना है, क्या उसे इस तरह का बहिष्कार करने की अपनी परंपरा को खत्म नहीं करना चाहिए, और अगर वो नहीं छोड़ता तो क्यों नहीं इसके ऊपर कानून आना चाहिए। हमारे साथ में दोनों पक्षों के लोग जुड़ रहे हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके तर्क इस मामले में क्या है। परिचय आपसे करा दें, हमारे साथ में एक पैनल जुड़ रहा है, चंद्रशेखर परगनिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं मनवा कुर्मी क्षत्रिय युवा समाज के, स्वागत है आपका। राजाराम तोड़ेम साहब हैं संरक्षक सर्व आदिवासी समाज के, विद्या देवी साहू जी हैं उपाध्यक्ष हैं साहू समाज छत्तीसगढ़ की, डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी हैं अध्यक्ष अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। आप सबका इस मंच के ऊपर हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर जी आप ही से सवाल है, सरकार अगर ऐसा सोचती है कि आप सामाजिक प्राणी को समाज से बाहर बहिष्कृत कर दें, इसके ऊपर लगाम कसें, इसके लिए कानून लाएं, तो इसमें गलत क्या है? सामाजिक जो बंधन बनाए अभी, सामाजिक बहिष्कार का जो कानून इन लोग अधिनियम के तहत लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें समाज के जो मूलभूत जो संबंध बनाए हुए हैं उसको इसमें बहुत वो होगा कि क्या करें ना करें, लेकिन जो मूलभूत मौलिक जो अधिकार है वो उसमें संबंध में उसमें दरार आएंगी, और जो हम लोग सुविधा बनाए सामाजिक रूप में, सिवाय कुर्मी समाज के नहीं, सभी सामाजिक के लोग जो एक व्यवस्था बना रहता है, जो पुराने संस्कृति के लोग हैं उसमें शादी बर ब्याह जो भी करते हैं वो एक एक निश्चित मूल्य में रखे हुए हैं, इसका बहिष्कार करेंगे तो हमारी जो सामाजिक जो पीढ़ी है वो खत्म हो जाएगा। जो बंधन करते हैं, जो समाज के लिए अपना जो रोक रखे हैं, नियम इतना हम लोग का स्टिक नहीं है, हम लोग सामाजिक दायरे में रख के ही काम करते हैं, साथ साथ हम लोग इसमें बहुत सारे कार्यक्रम भी करते हैं, ना कि किसी को दंड देना या ये आर्थिक रूप से हम लोग बिल्कुल कतई नहीं करते। तो बहिष्कार की जो बात जो अर्थ कर रहे हैं उस अर्थ में हम लोग का इसमें नहीं होता, खासकर कुर्मी समाज में, क्योंकि बहिष्कार जो पौनी पसारी जो बोल रहे हैं वो पौनी पसारी वाली बात नहीं है, इसमें हम लोग बहिष्कार तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है तो क्या आप इसको जायज मानते हैं? क्या आप किसी भी वजह से किसी को समाज से बहिष्कृत कर देना इस बात के पक्षधर हैं? क्या ऐसे एक भी अगर उदाहरण है तो वो सारे समाज के ऊपर, सारी समितियों के ऊपर दाग नहीं मानते आप इनको? नहीं, सामाजिक जो बहिष्कार का दो अर्थ है इसमें अलग अलग, जैसे आप टोटल पौनी पसारी जो पहले पंचायत ग्राम सभा में जो होता था कि सब समाज के लोग बैठ के उसको निराकरण करते थे कि उसको बंद करते थे, आजकल हमारे समाज में ये सब बिल्कुल नहीं है। हमारे समाज में अगर समाज में रहना है तो कुछ हल्का फुल्का नियम जो है उसको दायरे में रखकर आज के युवा पीढ़ी को साथ में लेना, छोटे बड़े का सम्मान करना। नहीं, चलिए अगर आपकी बात हम मानते हैं कि अगर आज ऐसा नहीं है जी, तो इस बारे में कोई कानून आ भी जाए तो इसमें क्या आपत्ति है? अगर इसी के ऊपर है, क्योंकि वो समितियों को भंग करने की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे फैसलों को लगाम कसने की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ये कहते हैं कि बंद हो गया तो इसके लिए कानून आ जाए तो क्या बुरा है? कानून आएगा तो सर ये जो लिहाज है बड़े छोटे का और जो संबंध है पारिवारिक, वो संबंध में दरार आ जाएगी, जो नैतिक मूल्य है का उसका हनन होगा, इसलिए कानून आगे समाज ही पूरा खत्म होगा। मेरे को ये लगता है कि अचानक छत्तीसगढ़ में ऐसे क्या जरूरी आ गया कि ये इसको कानून को लाना पड़ रहा है? यहाँ अचानक नहीं, इसका एक लंबा इतिहास है। जी, ऐसे नहीं, कई सारे प्रकरण अभी हम लोग को इसमें अचानक लग रहा है, हम लोग को पता चला जब ऐसी ऐसी बात है तो सभी समाज के छत्तीसगढ़ के इकट्ठा हुए, बात किए, बहुत सारे मीटिंग लिए। अभी हमारे जो आप बताए हैं 19 तारीख को जो खूबचंद जयंती मना रहे हैं, उसमें 24 फिरका के 24 समाज के लोग, मुखिया लोग भी आ रहे हैं, इस संदर्भ में बात करेंगे, विचार करेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ तो बहुत सारे मुद्दा है, किसान के हैं, पूर्ण शराबबंदी के मांग है, नैतिक विभिन्न आपके विभिन्न विषय इस पर हम अभी फिलहाल जो हमारा आज का मुद्दा हम इसके ऊपर ही टिके हुए हैं। विद्या देवी साहू जी भी उपाध्यक्ष है साहू समाज की, विद्या जी आप भी मानती है कि इससे समाज को नुकसान पहुंचेगा? पहली बात तो ये कि आप इस पर अपनी अपनी राय जरूर रखें कि किसी को भी समाज से बहिष्कृत कर देना क्या ये समाज के एक पदाधिकारी के नाते आपको जायज लगता है, पहला? दूसरा, अगर इस बारे में कानून आता तो क्यों विरोध है? जी, ये कानून का तो हम सामाजिक संगठन विरोध करती है, क्योंकि 100 साल से बनाया हुआ हमारा संविधान है जिसके तहत हम लोग कार्य करते हैं, जिसमें हम किसी व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार करते नहीं हैं, हम अपनी मूलधारा से उसे पृथक कर देते हैं ताकि उसकी जो समाज विरोधी गतिविधियां हैं वो उसमें सुधार लाए, इसलिए किया जाता है। और इसमें हमारे समाज में जो बातें होती है सामाजिक संगठन के उसमें, तो बहुत उदारता पूर्वक हम लोग हर चीज़ों को करते हैं, और उसके बाद भी
अभी जो ये कानून जो लाया जा रहा है वो हमारे इस संगठन के कार्यों को मतलब बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव पड़ेगा कि संगठनात्मक जो ढांचा है वो ढांचा जो है वो उसमें हमको मतलब दिक्कत आएगी। मतलब आप पहली बात आप इसको सही मानते हैं, जो बहिष्कार उसको आप सही मानते हैं और जो कानून आ रहा विरोध करते हैं, आपका पॉइंट? जी 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 बिल्कुल। चलिए हमारे साथ राजाराम तोड़ेम साहब हैं। राजाराम जी, आपका आपका क्या इसमें मत है, क्या समाज का ये विरोध जायज है, समितियों का विरोध जायज है? अरे साहब, यदि सरकार सामाजिक जो समरसता है, समाज अपने अपने तरीके से अपने नियम कानून बनाए रखती है, यदि सरकार उसमें कानून बना के दखलंदाजी करने लगे तो फिर समाज नाम की कोई चीज तो रहेगी नहीं। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है, फिर संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में ये कानून लागू करने की बात कह रहे हैं, किंतु अनुसूचित क्षेत्रों में किसी विधान परिषद को या विधानमंडल को ये कानून वो पास करने के बाद भी वहां लागू हो नहीं सकता। फिर ऐसे परिस्थिति में समाज के जो नियम कानून जो दायरे बने नहीं, लेकिन क्यों नहीं हो सकता? आप किस आधार पे कह रहे हैं कि लागू नहीं हो सकता? ऐसा अगर कानून बनेगा तो कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में कहीं लगता है, हाँ जी, ऐसा कोई सरकार को लगता है कि इस प्रकार के जो घटनाएं घट रही है तो उसको प्रचार प्रसार के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है, ना कि कानून बनाकर। लेकिन साहब, आज तक एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसे हैं, ऐसे एक नहीं कई सारे उदाहरण हैं, किसी एक समाज के ऊपर हम बात नहीं कर रहे, सारे समाज में जो ऑलरेडी दलित या शोषित या कुचले हुए या पिछड़े हैं या जो आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं हैं, उन्हीं के ऊपर हमने ऐसे लागू होते हुए देखे हैं, तब ये समितियां शायद वैसे इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती। तो इसमें कानून आ जाए तो क्या बुरा लग रहा है? नहीं नहीं, इसमें कानून का तो अपना तरीका होता है साहब काम करने का। कानून जो होता है ना, कानून बनने के बाद तो पुलिस उसमें हस्तक्षेप करने लग जाती है, फिर सामाजिक समरसता कहाँ रह जाती है वहां पर? सामाजिक जो दंड होता है वो कोई मैंने उसको बहिष्कार कर दो फिर समाज में नहीं मिला वैसा मामला तो रहता नहीं है, वो क्षणिक होता है। यदि मान लीजिए समाज के जो नियम बने हुए हैं उसका यदि वो पालन नहीं करता है समाज के अंदर में, तो उसको निश्चित रूप से समाज के साथ जोड़े रखने के लिए इस प्रकार का छोटा मोटा प्राकृत मैंने दंड दिया जाता है उसको तो पालन उसको करना चाहिए, तभी समाज जो है आगे बढ़ेगा। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर यदि रहेंगे नहीं, समाज के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर समाज कहाँ कहलाता है? डॉक्टर दिनेश मिश्रा भी हमारे साथ में, सरकार उसमें दखलंदाजी करने लग जाए। ठीक है, आपका पॉइंट हो गया, आपका पॉइंट समझ में आ गया। डॉक्टर साहब, इन सारी बातों को सुनकर एक तरफ ये बातें हैं, दूसरी तरफ वो सारे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है जिनको लेकर के शायद कुछ संगठनों को सोचना पड़ा, शायद सरकार को सोचना पड़ा कि अब इस बारे में कानून बनना चाहिए। जी देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कानून है, पहली बात ये अचानक नहीं बना है। मैं आपको बहुत पीछे ले आता हूँ, सन 2009 की बात है, ग्राम तेंदुआ, वहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो पूरे के पूरे गांव के लोगों ने चूंकि उसका बहिष्कार करके रखा था, इसलिए उसका अंतिम संस्कार करने से इंतकार कर दिया। गाँव में मुझे फ़ोन से बुलावा आया और हम लोगों ने जाकर के रायपुर की संस्था है मुक्ति श्रद्धांजलि, हमने जोरा में उसका अंतिम संस्कार कराया। वह जो व्यक्ति था वह बीमार था, कई दिनों से घर पर पीड़ित था, उसकी सिर्फ पत्नी थी और कोई नहीं था। दूसरी घटना में अभी आपको हाल की बताऊंगा, 2015 की, उसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो था उसने अपनी ही जाति में शादी किया, लेकिन उसने चूंकि उसने किसी को बुलाया नहीं था इसलिए उसको बहिष्कार किया गया और उसके ऊपर रसदंड लगाया गया। जब उसकी यहाँ तक माँ की मृत्यु हो जाती है तो उससे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उससे 2500 रुपये की मांग की गई, और जब उसने कहा कि मैं भाई बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरे पास में पैसे नहीं है, तो उसको बिल्कुल वहाँ पर आने नहीं दिया गया। तीसरी घटना मैं आपको बताता हूँ, ये सरकंडा थाना जो बिलासपुर का है, उसमें हमने बकायदा वहाँ के TI साहब से बात किया, और जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई और उसको नहीं जाने दिया गया तो उसको बकायदा पुलिस की गाड़ी में अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक ले जाया गया और उसको अंतिम संस्कार क्रिया कराई गई। तो ये जो बात है, एक घटना और बताऊंगा मैं, एक बच्ची है जिसने 16 साल की थी, उसने स्कूल में शादी कर ली थी और जब उसके पति ने छोड़ दिया तो उसको समाज के लोगों ने उसको बिल्कुल रखने से इनकार किया और जो व्यक्ति था उसको घर के बाहर छोड़ कर चला गया। उस बच्ची को गाय के कोठे में रखा गया कि आपको इजाजत नहीं है, आपने आपकी जो जाति खराब हो गई करके, छोटी बच्ची है, गलती हो गई है, हमको उसको संरक्षण देने की जरूरत है, समझाने की। और वह जो बच्ची है वो नारी निकेतन में 6 महीनों तक वो पड़ी रही, उसका जो पिताजी था वो आकर के हमारे पास बाकायदा रोता था, पुलिस अधिकारियों के पास आके रोता था, डराता था। तो इसके बाद
लगातार ऐसी जो घटनाएं हैं, हमारे पास 25,000 से ऐसे मामले हैं जिसमें लोगों का सामाजिक बहिष्कार हुआ है। पूरे प्रदेश के कोने कोने से ऐसी शिकायतें लगातार पुलिस थानों में दर्ज हैं, मानवाधिकार आयोग में दर्ज हैं, और इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग जो है सरकार का, उसने भी पत्र लिखा है, हमने लगातार प्रशासन को लिखा है, मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, गृह मंत्री जी से मिले हैं, और यहाँ तक इन घटनाएं हैं। कुल मिलाकर इसके पीछे का एक अपना लंबा इतिहास है, लंबा इतिहास। चंद्रशेखर जी, अब मैं पूछता हूँ, अब ऐसे में वो समाज और वो जो क्षणिक आप विरोध की बात करें, क्षणिक उनको अलग करने की बात करें, मृत्यु के बाद में भी अगर समाज सामने ना आए, साथ ना आए, फिर क्या ये मानवता का उल्लंघन नहीं है? मिश्रा सर जो बोल रहे हैं वो अलग अलग स्तर पे अलग अलग स्थान के हिसाब से बोल रहे हैं। अभी जो हमारे में होता है, जैसे मरनी हो गया, अंतिम संस्कार में हम लोग रोकते नहीं किसी को जाने के लिए, बिल्कुल बात नहीं, पर ऐसा होता है और अलग अलग समाज होगा, लेकिन अपने इधर में जो मैदानी क्षेत्र है अभी, उस इलाके में बिल्कुल किसी को रोकते नहीं है, वो बिल्कुल जाएंगे अपनी मम्मी पापा के अग्नि संस्कार, जो भी संस्कार है वो पूजा कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, बाधा बिल्कुल इसमें किसी प्रकार के हम लोग करते नहीं है। जी मैं ये सवाल तोड़ेम साहब से पूछता हूँ, तोड़ेम साहब, अगर ऐसा होता तो ये तो मानवता का भी उल्लंघन है, ये इसमें क्षणिक विरोध कहाँ हुआ, ये तो मृत्यु के बाद तक जारी विरोध है। नहीं नहीं, ऐसा बहुत कम होता है, कभी कभार बहुत बड़ी भारी भूल यदि कोई कर जाता है तो ऐसे परिस्थितियों में थोड़ा बहुत होता होगा, अन्यथा मृत्यु के समय में कोई भी जो है ना उसका वो नहीं करते नहीं, लेकिन आंकड़े ऐसा नहीं बताते ना, हर साल आपको ऐसे केसेस मिल जाएंगे, हर साल ऐसे केसेस मिलते हैं, सामने लाते हैं, हम खुद ही इनके बारे में बताते हैं, अगर ऐसे केसेस हर समाज में एक दो दो भी हो रहे हैं तब समितियां कहां हैं, तब वो उनके अधिकारों की रक्षा क्यों नहीं करती? इसके लिए प्रचार प्रसार होना चाहिए, ना कि कानून बनाकर इस पे रोक लगाना। मेरा ऐसा मानना है समाज को समाज के ढंग से ही चलना चाहिए, ताकि समाज को आगे बढ़ने में उस अपनी स्वतंत्रता पूर्वक को कर सके, नहीं तो पूरा पूरा मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा साहब। ऐसे स्थिति में तो समाज फिर और सरकार का कोई तालमेल तो कभी बैठेगा नहीं। चलिए छोटा सा बिल्कुल बढ़ेगा, आप मैं आपका पॉइंट भी आपके पॉइंट के ऊपर भी आऊंगा, आपका कहना है कि इससे समाज को बड़ा खतरा है, ये खतरा क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ी इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद, जल्दी लौटते हैं। तो सोशल बायकॉट के खिलाफ कानून क्यों नहीं, आखिरकार क्यों इस बात का विरोध हो रहा है, इस पर हमने दोनों पक्षों को अब तक सुन लिया है। हमारे साथ विद्या जी हैं। विद्या जी, आप कह रहे हैं कि आप लंबे समय से समाज से जुड़ी हैं, लेकिन अगर एक भी मामला ऐसा आता है जिसमें कोई गरीब या कोई व्यक्ति शोषित होता है समाज के किसी बहिष्कार के मामले से, तो ऐसे मामले पूरे समाज और समिति के ऊपर दाग होते हैं। आप कह रहे हैं कि इससे सामाजिक समरसता भंग हो जाएगी, समाज भंग हो जाएगी, कैसे, क्या खतरा है अगर कानून आता है, क्या खतरा है? कानून आता है तो फिर सामाजिक जो संगठन है, जो हमारे बनाए हुए संविधान के अंतर्गत हम कार्य करते हैं, उस कार्य करने में हमें तो बाधा पहुंचेगी ही, क्योंकि वो सीधा सीधा फिर वो कोर्ट के उसमें चले जाएंगे, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे। तो क्या अपने अधिकारों के लिए आप जो गलत परंपरा है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, उसका ये मतलब नहीं है कि आज देख लीजिए 100 वर्षों से हम इतने सारे प्रकरण निपटाते हैं, और जो बहुत कम प्रकरण हमारे कोर्ट तक के जाते हैं, बाकी हम लोग यही निपटाते। दो चार रेयर केस हैं जिसके लिए हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर उसका निराकरण तहसील है या गांव में है नहीं हो रहा है, तो परिक्षेत्र में उसको वो आवेदन कर सकता है, और परिक्षेत्र वाले को हिदायत दी जाती है कि उसके प्रकरण को आप निपटाइए। डॉक्टर साहब, अब सीधा सवाल आपसे, क्या इससे सामाजिक ताने बाने को, समितियों को, उनके अधिकारों को या पर्सनली कोई नुकसान आप देखते हैं? देखिए, इसमें ऐसा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो समाज है वो समाज का जो बड़ा रूप है वो सरकार होता है। आखिर सरकार में हर समाज के लोग मौजूद हैं, हर हम लोगों ने चुनकर सरकार भेजी है, तो अगर लगातार कहीं से शिकायतें आ रही हैं और सरकार संवेदनशील होकर के अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कोई कानून बनाना चाहती है, कोई नियम बनाना चाहती है, तो उसमें गलत क्या है? और दूसरी बात यह है कि अगर भाई उसमें उस कानून को पूरा पढ़िए, किसी चीज़ का हम बहिष्कार जो करते हैं आप उसको पहले पढ़िए, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ अगर आप उसको निकालोगे तो ही आपका नुकसान है, तो हम सिर्फ उस चीज़ को ही हम ध्यान दे रहे हैं, मतलब केवल बहिष्कार के ऊपर ही कानून एक बहिष्कार पर ही बने, क्योंकि जब टोनी पत्राणा का कानून बना था वो भी एक सामाजिक कुरीति थी, तब भी कई बार विरोध हुआ था, लेकिन क्या है कि देखिए टोनी पत्राणा कानून बनने से कुछ क्षेत्रों में स्थिति सुधरी है, लोग कम से कम डायरेक्ट टोनी बोलने में कई बार डरते हैं और उसमें भय खाते हैं, तो इस कानून से ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि सामाजिक ताना बाना बन जाएगा। क्या ऐसा कोई कानून चंद्रशेखर जी, इस पर आपका उत्तर चाहूंगा, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, क्या इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या अंतर आ जाएगा? मिश्रा सर जो बोल रहे हैं उसमें वो प्रकरण के नाम जो ले रहे हैं टोनी प्रकरण या ये तो हमारे इसमें बिल्कुल होता ही नहीं है इस टाइप का कि ऐसा कंडीशन रहे समाज में। हम लोग ये डर रहे हैं कि अगर समाज में कानून अगर लागू करता है तो हमारे आने वाले पीढ़ी या बच्चे
ये जो है इसमें जो डर की भावना होती है, जो सामाजिक बंधन जो रीति रिवाज जो रखते हैं उससे हट के समाज ऐसा विकराल हो जाएगा कि हमारे अभी तो हम लोग छोटे छोटे इसके लिए हमारे पंचायत और उसमें इतना पेंडिंग है। एक छोटे से उदाहरण बताता हूँ आपको, जैसे तलाक की बात है, तलाक की बात के लिए जाते हैं तो आज कितने साल तक घूमते रहते हैं कोर्ट और कचहरी के चक्कर में, लेकिन हमारे सामाजिक बंधन से रीति रिवाज से बिल्कुल बैठ के आपस में बैठ के सुलझा देते हैं। अगर इसके बावजूद तलाक के प्रकरण भी होते हैं तब क्या हो सकता है, आगे बटन हो जाएगा, पूरा बढ़ जाएगा समाज। एक सवाल यहाँ उठता है तोड़ेम साहब, क्या समाज खुद ऐसी कोई विकल्प या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दे सकते जिसमें यह सुनिश्चित कर दिया जाए कि कम से कम बहिष्कार, जो मानवता का अधिकार है, एक मानव के नाते समाज में रहने का अधिकार है, उसका हनन नहीं होगा? क्या समाज अपनी तरफ से ऐसी पहल नहीं कर सकते, या वो करने का वक्त नहीं आ गया? नहीं, बड़े इसका प्रचार प्रसार हो कि इस प्रकार के जो कृत्य ना हो समाज के भीतर में, किसी का बहिष्कार कर दे या कुछ कर दे, उसको सामाजिक ढंग से ही सुधारा जा सकता है। उसके लिए सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, ना कानून बनाने की जरूरत है। समाज तो खुद अपने आप में एक कानून है साहब। समाज ने अभी तक का जो रीति रिवाज बनाकर यहाँ तक पहुंचा है तो आगे भी जाएगा, और इसमें कानून बना के पुलिस का हस्तक्षेप करके कोर्ट कचहरी में लोगों को, समाज के लोगों को फंसाने का कोई अर्थ नहीं निकलता। मेरा ऐसा मानना है, केवल भय के लिए केवल ये है कि ये कुरीति है। आप अभी पूरी चीजों को पढ़ के उसका विरोध करते हैं शायद, तो थोड़ा सा अनजस्टिस लगता है। क्या लगता है आपको, ये पूरा पढ़ा नहीं है? नहीं, मेरा इसमें यही कहना है कि इसमें किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे देश में हजारों कानून हैं, लेकिन हम अभी भी अच्छे ढंग से रह रहे हैं। हम किसी को, व्यक्ति को किसी कानून से खतरा नहीं है। ट्रांसपोर्ट का अलग कानून है, चोरी डकैती है बलात्कार सब कानून बने हुए हैं, लेकिन आपको किसी चीज से कोई खतरा नहीं है। अगर कोई कानून ऐसा बनता है तो जो व्यक्ति दोषी होगा वही उसी पर खतरा होगा ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पूरे का पूरा समाज उसमें प्रताड़ित हो जाएगा, पूरे बंधन टूट जाएंगे। जो हमारे बच्चे रह रहे हैं उनके संस्कार प्रभावित हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हम जो बड़े छोटे को संस्कार दे रहे हैं, पीढ़ियों से देते आ रहे हैं, ऐसे सिर्फ एक कानून के बनने से हमारे संस्कार खत्म हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्योंकि इतने कानून हैं, किसके संस्कार खत्म हो गए? तो ये एक प्रकार से किसी भी सरकार को, जो लोकप्रिय सरकार है, उसको अपने ऐसे नागरिकों जिनके साथ में उसके ही जाति के लोग खड़े नहीं है, उसको बाहर से उसको हटा दे रहे हैं। उसको कई बार बच्चे जाते हैं, उनको चॉकलेट नहीं मिलती है दुकानों में, मना कर दिया जाता है, बोरिंग में पानी नहीं मिलता है पीने का, तालाब नहीं जा सकता है, उसको दुकान बाजार जाने की मनाही हो जाती है। तो इन सब जो अमानवीय चीजें हैं, जो आपने कहा कि अधिकारों का हनन है, तो एक व्यक्ति के अधिकारों का भी तो हनन होता है इसमें। ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। शेखर जी, फाइनल आपसे एक बात फाइनल, क्या समाजों को आगे आकर इसको खत्म नहीं करना चाहिए? क्या बहिष्कार पर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं, आपको नहीं लगता? नहीं, बहिष्कार तो हम लोग बिल्कुल जो सर बोल रहे हैं उस टाइप का बहिष्कार होता ही नहीं है। जो होता है ग्राम पर होता है, वो उदाहरण आज ही के दौर नहीं, आज के दौर पे से लेकर अभी तक नहीं आता। इस टाइप का पानी बंद करने वाला हमारे क्षेत्र में जो बहिष्कार जो बोल रहे हैं, जो रीति रिवाज जो बैठे साहब, बहुत जल्दी से कही अपनी बात, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, इसमें कोई मैंने ऐसा समाज के सभी लोग बैठ के ऐसा निर्णय नहीं करते हैं कि जिसका उक्का पानी बंद हो जाए, लेकिन समाज में सभी लोग बैठ के एक जगह बैठ के एक निर्णय होता है, आप इतना समय सीमा के अंदर ये आप काम कीजिए। नहीं, लेकिन पर इस बात का उत्तर नहीं मिला। विद्या जी, आपसे भी आखिरी बात समझाया जाता है, बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? हाँ या ना में कोई आपका इसमें उत्तर है? नहीं, हम लोग सामाजिक बहिष्कार कुछ समय के लिए ही हम लोग मूल धारा से अलग करते हैं, उसके बाद में फिर उसकी त्रुटि सुधारने के बाद हम उसे मिला वापस ले लेते हैं, तो हमको उनको प्रताड़ित करने का कुछ नहीं रहता है। चलिए, मेरे ख्याल से जो देखने वाले हैं इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। शायद पहले किसी चीज की स्वीकारोक्ति ना होना, या उन उदाहरणों को निग्लेक्ट करना, या ऐसे तमाम उदाहरणों को जो आपने सजा के तौर पर दिए लेकिन वो प्रताड़ित हुए, उसको वैसे एड्रेस नहीं करना जैसे पीड़ित पक्ष देखता महसूस करता है और फिर उसे लेके आता है समाज के सामने, शायद ये समस्या की पहली सीढ़ी है। इस तरफ देखने की जरूरत है। अब कानून बनता है नहीं बनता और विरोध किस तरह का होता है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। आप सबका शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।